और क्या हाल चाल है भाई लोगों। तो आज की वीडियो में आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि मेरा आईपैड जो मिनी 5 है, मैंने 3 मंथ यूज़ कर लिया है और यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगा, मैंने अभी तक इसमें गार्ड बिल्कुल भी नहीं लगा रखा है, स्क्रीन प्रोटेक्टर। अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर बिल्कुल भी नहीं लगाओगे तो जैसे आपने मेरी स्क्रीन में सर्कल देखे दो तो आपकी स्क्रीन में भी वैसे सर्कल बन जाएंगे, और दिक्कत वाली बात बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वो सर्कल ठीक हो जाएंगे आप अगर गार्ड लगाओगे तो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप पबजी मोबाइल का गेम प्ले भी देखना चाहते हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं पबजी मोबाइल के गेम प्ले भी लाते रहता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो पबजी मोबाइल आईपैड मिनी 5 में कैसा चलता है। मैंने इसे लगातार कंटिन्यूस भाई गेम खेला और तभी आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में सर्कल भी पड़ गए। मैंने इसमें इतनी गेमिंग करी, कम से कम 3 मंथ में मैं रेगुलर इसमें गेमिंग करता था, पर इसमें 90 FPS का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आया। अभी आपने देखा होगा 90 FPS का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आया आईपैड मिनी 5 पे। और यहाँ पे जायरोस्कोप पर जो नई सेंसिटिविटी आई थी 400 वाली, और वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैंने जितने भी सारे पॉइंट है वो सारे पॉइंट कवर करूँगा, जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आप आईपैड मिनी 5 ख़रीदना चाहते हो तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या क्या भाई आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट मेरा ये है जो लैग और फ्रेम रेट और स्क्रीन फ्रीज और रेंडरिंग, ये सब प्रॉब्लम आपको आ सकती है या नहीं आ सकती है। जब मैंने आईपैड मिनी 5 लिया था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे मेरे ना लैग, ना फ्रेम रेट, ना स्क्रीन फ्रीज और रेंडरिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती थी। पर जब से मैंने पबजी मोबाइल का KR वर्जन प्ले करा है, जो KR वर्जन है, क्योंकि आपको पता है ग्लोबल अच्छे तरीके से वर्क कर नहीं रहा, किसी किसी के डिवाइस में वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा जो KR वर्जन है भाई, KR वर्जन में मुझे गेम के अंदर TDM में तो आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा। जो इन गेम के अंदर आपको 2-3 चीज़ें दिक्कत होने वाली है, वो पहली चीज़ है स्क्रीन फ्रीज और रेंडरिंग। जो ये 2 चीज़ की प्रॉब्लम है वो आपको पबजी मोबाइल KR वर्जन में देखने को मिलेगी। बीच बीच में गेम बताने ऐसा क्यों, मतलब बहुत कम मैचों में स्क्रीन फ्रीज भी होता है, और रेंडरिंग तो आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि रेंडरिंग आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप दूर कहीं किसी कंपाउंड से किसी कंपाउंड को देख रहे हो तो वो रेंडर बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा क्यों मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आता, जो पबजी मोबाइल KR वर्जन में ये प्रॉब्लम बस पबजी मोबाइल KR वर्जन में आती है। और जब से मैं ग्लोबल वर्जन खेलता था, ग्लोबल वर्जन में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती थी, उसमें ना ही स्क्रीन फ्रीज होता था और ना ही रेंडरिंग की प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम शायद पबजी मोबाइल KR वर्जन की है, आईपैड मिनी 5 की नहीं है शायद। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है। और जो अगला पॉइंट आता है, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है जायरोस्कोप की। जो भी पबजी मोबाइल को मोबाइल से प्ले करने के बाद आईपैड मिनी 5 पे प्ले करता है तो जायरोस्कोप की बड़ी दिक्कत आती है, कि स्टार्टिंग में जायरोस्कोप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप रेगुलर आईपैड मिनी 5 के अंदर जायरोस्कोप ग्राइंड करोगे तो आप फुल जायरो काफ़ी ईजिली खेल लोगे, क्योंकि आईपैड मिनी 5 में जायरोस्कोप बहुत अच्छा चलता है, आपको कोई बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अगली बात आती है रिकॉर्डिंग की। जो आईपैड मिनी 5 में होता है बिल्कुल 4K रिकॉर्डिंग होती है आपको, मतलब जो आपका जो एक गेम प्ले है, अगर आप कम से कम एक गेम प्ले को रिकॉर्ड करोगे, कम से कम 30 मिनट का अगर आपका एक गेम प्ले है, तो उसे रिकॉर्ड करने के बाद जो आपका साइज़ हो जाता है उस वीडियो का साइज़ हो जाता है कम से कम 5 से 6 GB का आपको साइज़ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आपका भाई जो गेम प्ले में बिल्कुल भी लैग करेगा नहीं, क्योंकि स्टिल अगर आप रिकॉर्डिंग करके गेम खेलोगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने रिकॉर्डिंग ऑन करी है या ऑफ़ करी है। तो आपको रिकॉर्डिंग करने के बाद गेम प्ले करोगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अगला पॉइंट हमारा ये है कि गेम प्ले टाइम। जो आईपैड मिनी 5 में आप कंटिन्यूस कितने टाइम तक गेमिंग कर सकते हो, वो स्टार्टिंग की जो मतलब नया आईपैड होता है स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा वर्क कर जाता है। और कंटिन्यूस मैंने कम से कम 3 मंथ खेला है इसे, तो 3 मंथ खेलने के बाद जो इसकी बैटरी टाइमिंग कह सकते हो आप, जो गेम प्ले कंटिन्यूस खेल सकते हो वो कितना चलेगा, तो कम से कम आप इसमें अगर रिकॉर्डिंग ऑन करके खेलोगे तो 3 से 4 घंटे आराम से हाई ग्राफिक में आप इसमें खेल सकते हो, मतलब ग्राफिक फुल करके खेल सकते हो, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है रिकॉर्डिंग ऑन करके। अगर आप इसमें रिकॉर्डिंग नहीं करते हो, बस गेम प्ले करते हो, तो आपको कम से कम मिल जाएगा 5 से 6 घंटे का आप इजीली खेल सकते हो, मतलब कंटिन्यूस। तो मतलब बीच में गैप दोगे तो 4 से 5 घंटे आप लगातार इससे कंटिन्यूस प्ले कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में, और वो प्रॉब्लम मेरी भी स्टार्टिंग पे यही थी, चार्जिंग टाइम और चार्जिंग का इशू। जब मैंने आईपैड मिनी 5 नया लिया था तो मेरा चार्जर इतना गर्म होता था कि मैं कम से कम 15 मिनट की चार्जिंग करता था, और मेरा वहाँ पे जो चार्जर होता था वो बहुत ही गर्म हो जाता था, जिससे भाई मैं चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाता था। पर यहाँ पे मैंने 3-4 मंथ यूज़ कर लिया है आईपैड मिनी 5 को, पर यहाँ पे अभी मुझे कोई भी दिक्कत हो नहीं रही है, चार्जिंग का इशू बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग टाइम पूरा 100 करने में कितना टाइम लगेगा, तो आईपैड मिनी 5 को आप जब चार्ज करोगे उसमें कम से कम आपको 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे फुल चार्जिंग के लिए।
तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाता है चार्जिंग का। उसके बाद आता है अगला प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग मेरे से ये कमेंट करके पूछते हैं कि जो आईपैड मिनी 5 है उसे कंपेयर करते दूसरे डिवाइस से। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप एक यूट्यूबर या मतलब बनने की सोच रहे हो या फिर मतलब पबजी मोबाइल के गेम पे यूट्यूब में डालने की उसे मतलब चाहते हो, तो तब आईपैड मिनी 5 ले सकते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। क्योंकि आप इसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हो, मतलब उतनी भी मल्टीटास्किंग नहीं जितनी आप एंड्रॉयड में कर सकते हो, पर आप इसमें इतनी ठीक ठाक कर सकते हो कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्योंकि आपका आपको लाइव स्ट्रीमिंग भी करनी है तो आप इजीली आईपैड मिनी 5 में कर सकते हो। पर इसी रेंज में आप दूसरे मोबाइल लोगे तो दूसरे मोबाइल भी काफ़ी अच्छे पड़ जाएंगे, वन प्लस के या दूसरे मी 10, जो आपको एंड्रॉयड में काफ़ी अच्छा मतलब आपका गेम प्ले काफ़ी अच्छा सुधर सकता है। पर ऐसी वाली दिक्कत भी नहीं है, आईपैड में भी आप काफ़ी अच्छा अपना गेम प्ले कर सकते हो। अगर आपको आईपैड मिनी 5 नहीं लेना है तो या एंड्रॉयड डिवाइस में गेम प्ले करना है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपको एंड्रॉयड में भी 35,000 के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे डिवाइस देखने को मिल जाएंगे। अगला पॉइंट वो है कि मेरा आईपैड मिनी 5 कौन सा वेरिएंट वाला है। जो आईपैड मिनी 5 मेरे पास है वो 3GB प्लस 64 स्टोरेज वाला वेरिएंट है, जिसमें बस वाईफाई यूज़ करता हूँ। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस का वाईफाई यूज़ कर सकते हैं आईपैड मिनी 5 के लिए। तो भाई मेरे साइड तो वाईफाई कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैं अपना एंड्रॉयड का जो मोबाइल का वाईफाई होता है वही यूज़ करता हूँ, उसी के हॉटस्पॉट से भाई मैं गेम प्ले करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।